स्कोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं दोनों ही कंपनी की क्रेडिट स्कोर आपको एक ही एप्लीकेशन में शो हो जाती है चाहे वो सिविल डॉट कॉम की हो चाहे वो एसपीरियन की हो आपके नाम से कितने लोन कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं ये भी आप पता कर सकते हो अगर आपके नाम से कोई फर्जी लोन फर्जी क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो आप उसे भी यहाँ से हटवा सकते हो उसे रिमूव करा सकते हो वन स्कोर एप्लीकेशन ओन कार्ड वालों का ही है तो ओन कार्ड आपने जान, बहुत जानी पहचानी कंपनी है एनबीएफसी कंपनी आप सभी लोग जानते होंगे उसका एक क्रेडिट कार्ड भी आता है तो उनका ही ए भी एक एप्लीकेशन है तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा इसको ओपन करते हैं प्रकार का कुछ इंटरफेस आप सभी लोगों को देखिएगा सब कुछ यहाँ पर बताया गया है उसके बाद हम चेक माई स्कोर पर क्लिक करते हैं यहां पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं टिक मार्क पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे देखना है तो एक दिख जाएगा पावर वाई सिविल और साथ में आपको दिख रहा होगा एक्सपीरियंस तो यहां पर गेट ओ पर हम क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ सेंड किया गया होगा उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर आपका मोबाइल नंबर इसमें डला होगा तो उसके बाद आपका यहां पर आपको दिख जाएगा मेल आई तो आपको मेल आई डालना है ये यहाँ से उसको डन पर क्लिक करना है तो आपका यहां पर 30 सेकंड का टाइम लेगा और आपका जो स्कोर वगैरह है वो ये लोग यहाँ पर देखेंगे और इसका होम पेज आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है इसके साथ आप देखेंगे होम पेज पर ही आपको दोनों ही कंपनी के सिविल स्कोर शो हो रहे होंगे एक मिलेगा सिविल का एक मिलेगा एसपीरियन का अधिकांश जो प्रॉब्लम आती थी लोगों को यही आती थी कि आपको कहीं पर भी चेक करने के लिए अगर जाते हैं सिविल स्कोर तो एक सिविल स्कोर शो होता है लेकिन यहां पर आपको दोनों ही सिविल स्कोर शो हो जाते हैं अब कुछ लोगों को अगर ये डाउट लग रहा हो कि भाई हमारा दोनों ही जगहों पर सिविल स्कोर डिफरेंस क्यों होता है मानी कि

माई अकाउंट का तो आप यहां से माई अकाउंट पर क्लिक करके आप अपने नाम से कितने लोन कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं ये सब कुछ यहां पर चेक कर सकते हो साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे रिमाइंडर चाहिए तो आप यहां पर सेट रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे यहां से आप लोगों को एक डेट सिलेक्ट करना पड़ेगी जिस डेट को आपका अमाउंट ड्यू होता है जिस डेट को आपका बिल बनता है क्रेडिट कार्ड का और इसके साथ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि रिमाइंडर आपको कितने टाइम पहले चाहिए दो दिन चार दिन या एक दिन तीन दिन तो आप यहाँ सेलेट कर सकते हैं क्रिएट पर सेलेक्ट करके आप लोग अपने रिमाइंडर को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है क्रेडिट कार्ड का यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके नाम से कितने क्रेडिट कार्ड एक्टिव हैं कितने क्रेडिट कार्ड आपके क्लोज हो चुके हैं अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर, पर क्लिक करते हैं तो पर्सनल लोन पर आप चेक कर सकते हैं कितने आपके नाम से लोन चल रहे हैं तो लोन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आई फर्स्ट बैंक का लोन आपको दिख रहा है पांच का जबकि आई डी फर्स्ट बैंक का लोन नहीं है ये लोन एक्चुअली मूवी क्विक जिपे का है साथ में नीचे आपको दिख रहा है एक और तीन का लोन तो ये भी हमारा कोई पे लेटर का लोन है इसके साथ नीचे एक और दिखेगा आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोन तो ये भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नहीं जबकि ये एप्लीकेशन से लिया गया है इसके साथ नीचे आपको दिख रहा होगा पेयू फाइनेंस का तो ये भी पेयू फाइनेंस का मतलब हमारा लीजीपी का लोन है जो कि एक क्रेडिट कार्ड था और इसीलिए उस कंपनी ने अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया आरबीआई ने इसीलिए बंद कराया था कि ये लोन में से होता था ये क्रेडिट कार्ड नहीं था इसके साथ नीचे धनी का लोन दिख रहा होगा आपको तो ये ये मैंने कभी भी नहीं लिया है लाइफ में लेकिन ये शो हो रहा है के साथ एक और लोन मेरे नाम फर्जी से हो रहा है जो कि है तीन हजार निन्यानवे रुपए का अगर आप जाते हैं कंज्यूमर लोन पे क्लिक करते हैं तो ये एक चार हजार रुपए का लोन भी मेरे नाम से शो हो रहा है कंज्यूमर लोन पे और मेरे चार से पांच अकाउंट क्लोज हो चुके हैं कंज्यूमर लोन के बट मैंने इनको नहीं लिया है लेकिन कंज्यूमर लोन आप लोगों के ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जब आप कोई कंपनी से पे लेटर सर्विस लेते हैं तो ये कंज्यूमर लोन ही देते हैं अधिकांश ऐसे में ऑटो ऑटो लोन 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 पे जाता हूं तो पर भी मेरा एक फर्जी चल रहा है जबकि कभी मैंने ऑटो लोन लिया ही नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे तो हीरो करके कोई कंपनी है इसने मेरे नाम से लोन लगा रखा है और ये लोन कब लिया है तो डेट दिख रही है कितने इंटरेस्ट पे लिया है कब आपका लिया है कितना लोन अमाउंट है कब इसकी डेट है सब कुछ आपको शो हो जाएगा नीचे आप देख सकते हैं अब आपको अगर चेक करना है कि ये तो सिविल में दिख रहा है अगर आपको पता करना है कि एसपीरियन में हो रहा है ये लोन या फिर नहीं उसके लिए सिंपल सा उस लोन पे क्लिक करने के बाद एसपीरियन का ऑप्शन रहेगा बगल में इस पर क्लिक करिए तो देखिए ये लोन मेरा शो हो रहा है सिर्फ सिविल में हो रहा है बाकी मेरा एसपीरियन में कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है इसके साथ अगर मैं बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कोई क्रेडिट कार्ड इस पर क्लिक करता हूँ कोटक तो महिंद्रा बैंक पर एसपी में जाता हूँ तो देखिए बिल्कुल बेकायदा सब कुछ मेरा एसपीरियन में भी शो हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से नीचे कुछ मेरे क्रेडिट कार्ड क्लोज हो चुके हैं इस पर क्लिक करता हूं देखिए यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आ रहा है तो ये क्लोज हो चुका है एसपीरियन में भी मेरा क्लोज हो चुका है तो ये इसका काफी अच्छा डैशबोर्ड है बहुत ही इजीली समझ सकते हैं आप इसके जरिए वैसे इसको चेक करने के लिए तो आपको हजारों वेबसाइट हजारों कंपनियां दिख जाएंगी लेकिन इसका जो सिंपल आप लोगों को डैशबोर्ड है ऐसा डैशबोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा तक कि अगर आप उस कंपनी की पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी जाते हो तो वहां पर भी आपको कुछ चार्ज देने के लिए बोलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलेगा साथ में वहां पर भी आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो अगर बात करते हैं यहां पर हम एक लास्ट वाले ऑप्शन की जो है वन कार्ड का तो ईवे ने आपको पहले ही बताया कि ये एप्लीकेशन वन कार्ड वालों का ही है अगर आप वन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर स्कोर नहीं है तो आठ जरूर लीजिए और इसका लिंक और इसका जो रेफरल कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है आप डाल सकते हैं आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कुछ यहाँ से आपके स्कोर बनाने के लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड होता है वन कार्ड तो आप ले सकते हैं अब जैसे आपको कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन यहां से रिमूव कराना है उसके लिए आप उस लोन एंड उस क्रेडिट कार्ड पर एक बार सेट करेंगे क्लिक करेंगे उसके साथ नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन नीचे रिपोर्ट एंड एरर का इस पर आप एक क्लिक करना है एक यहां से आपको आईडी जनरेट हो जाएगी आपका कंट्रोल नंबर इसको आपको कॉपी कर लेना है उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा इस पर आपको कंप्लीट डिटेल अपनी भरनी है नाम मीडियम नेम एड्रेस सिटी स्टेट पिन कोड सब कुछ भर देना है एक आपको यहां पर मांगे कंट्रोल नंबर का ऑप्शन तो कंट्रोल नंबर आपने जो कॉपी किया उसको आप यहाँ पर डालेंगे यहां से आपको आईडी डी सिलेक्ट करना पड़ेगा अपनी पैन कार्ड जो भी है वोटर आई कार्ड आप डाल देंगे उसके बाद आई कार्ड का नंबर डालेंगे सबमिट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टेलीफोन नंबर वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं सबमिट वाले आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे जहाँ से आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं कंपनी को उसके साथ आप लोग यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करके अपने अकाउंट बारे की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इंक्वायरी पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी इंक्वायरी चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी इंक्वायरी की है कब अगर आपको लगता है कि इंक्वायरी मैंने नहीं की है उसके लिए सिंपल सा आपको एक बार क्लिक करना है उस इंक्वायरी पर इसके बाद आपको चले जाना है नीचे और यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर लेना एक साथ आपको दो चार इंक्वायरी जो भी आपने की नहीं है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल नीचे साइड में आना है और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन रहेगा सबमिट पे क्लिक करना है यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग देखते हैं आप लोगों को एक डिस्प्यूट आई भी दे दी गई है यहाँ से आप इस तरीके से आप अपनी इंक्वायरी को रिमूव करा सकते हो और ये काम आप यहाँ से कर सकते हो अब आपको अगर एस्पिरियन वाले अकाउंट से इसको रिमूव कराना है तो उसके लिए सिंपल सा आप लोगों को आ जाना है यहां पर और एस्पिरियन का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक कर देना उसी लोन वाले अकाउंट पर क्लिक करने के बाद तो आपको देखेगा नीचे यहां पर भी एक रिपोर्ट एंड एरर का ऑप्शन इस पर आप क्लिक करिए दोनों आईडी आपको यहां पर दिख जाएंगे एक यू पी आई आई और एक दिखेगा ई नंबर तो आप लोगों को इनको कॉपी कर लेना है कंटिन्यू पर क्लिक करना है पर आपको ये नंबर डालना पड़ेंगे दोनों के दोनों आपको सिंपल सा यहां से कॉपी करके और इन नंबर को यहां पर पेस्ट कर देना इस तरीके से इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है यहां पर आपको यहां पर डालना पड़ेगा अपना नाम जो आपके पैन कार्ड के नंबर पर है ओ आएगा आपके मोबाइल नंबर पर इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है जो कौन सा लोन अकाउंट आप बंद कराना चाहते हैं सारे के सारे लोन अकाउंट आपके सामने खुल करके आ जाएंगे तो यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे बाकी आपको सारी सारी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी अकाउंट का क्या स्टेटस है उसके साथ नीचे उसकी अकाउंट ओपन की डेट क्या है लोन अमाउंट कितना है ई कितनी है सब कुछ भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने इंडिविजुअल और यहां से आप लोगों का जो अकाउंट है वो रिमूव हो जाएगा